तवाफ हो गया, अभी तवाफ के बाद अभी जा रहे हैं, यहाँ से सफा स्टार्ट होता है। ये लो हो गया टकला। ये जो घर है ना, यहाँ पे हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, और ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पे चांद के दो टुकड़े किए। और ये साइकिल वाइकल सब रेडी कर लिया। अभी यहाँ से मेरे को अराउंड दो तीन घंटे लगने में पहुँच जाऊँगा मक्का। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह मक्के में। ये देखो यहाँ से आगे से ना एक रोड इधर कट गया है, नॉन मुस्लिम वाला, मुस्लिम वाला सीधा चला गया है, तो वहाँ से शायद थोड़े दूर है, देखता हूँ कितना किलोमीटर है। एक तो साइकिल मेरे को नहीं चलाने बन रहा है, मैं पूरा ये बन के बैठा हूँ, मेरे को साइकिल चलाने नहीं बन रहा है, इधर उधर पिन लगा के चला रहा हूँ। बाकी उड़ रहा है, देखता हूँ। ठंडा लग रहा है यार, पूरा एकदम खुला खुला है। यहाँ से कटा हुआ है रोड, ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम इधर चले जाएंगे और मुस्लिम सीधा मक्का की तरफ। ये यहाँ से शायद मक्का का रोड चालू होता है, और वाली फॉर मुस्लिम। तो ये गाड़ी रुकी, मेरे लिए रुकी है शायद, हाँ देखता हूँ। मैं तो कटने वाला हूँ इधर मुस्लिम की तरफ। ये नॉन मुस्लिम, ये मुस्लिम, मतलब दोनों रोड कट गया। ये जद्दा सीधा जद्दा जाएगा, जो मक्का होके नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट जद्दा निकलेगा, और ये मक्का होते हुए भी जद्दा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए है रोड, बाकी बंद किया हुआ है। पाजी रुके थे मेरे लिए, पानी वानी दे रहे थे, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे साइकिल में वैसे भरा हुआ है। चेक पॉइंट है, और यहाँ पे चेक होता है नॉन मुस्लिम मुस्लिम, मतलब सारा कुछ चेक करके फिर अंदर जाने देंगे। अभी मैं देखता हूँ, और ये पहाड़ों के बीच भाई, और साइकिल चलाना, मैं ना कल भी खाना इसलिए नहीं खाया था कि मैं सोचा था जाऊँगा मक्के में उमरा करके फिर खाऊँगा, लेकिन पुलिस वालों ने छोड़ा ही नहीं, और आज भी मैं सोचा कि जल्दी पहुँच जाऊँगा फिर वहाँ जाके खाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। भूख बड़ी मस्त लगी है, लेकिन पहले उमरा कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उमरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाके खाया जाएगा कुछ भी जो भी दिल करे। पहले तो चलते हैं, चेक पॉइंट पे चेक होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉइंट पे बड़ी इज्जत मिली, बोलते पानी पी लो, मैं बोला नहीं अभी पानी तो है मेरे पास, लेकिन अभी जाना है। कुछ भी नहीं चेक किया, बस फ्लैग देखे, मेरे को देखे, बोलते इंडिया इंडिया से आ रहा है डायरेक्ट, मैं बोला हाँ, बोलते ठीक है जा, कोई बात नहीं चला जा। क्या पंचर हो गया, मेन था एकदम, आ गया हूँ यार, अब क्या करूँ, क्या हो गया, कैसे हो गया पता नहीं, कुछ तो घुस गया इसमें, साफ एकदम हवा निकल गई। हाँ जाना है, 20-25 किलोमीटर जाना है अभी तो, क्या करूँ नहीं समझ आ रहा है। चलो देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में तो एंटर हो गया हूँ, अभी क्लॉक टावर उधर आगे है, अभी 2 किलोमीटर और सीधा चलना है, और साइकिल पंचर होने के वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैं धक्का मार के आ रहा हूँ, इसके वजह से ऊपर से अहराम पहना हूँ तो और ज़्यादा थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। पूरा धक्का मार के आया, कम से कम 15-20 किलोमीटर तक तो धक्का मार के आया हूँ साइकिल को। बहुत सारे लोग मिले जो बोलते हैं कि गाड़ी साइकिल रख दो गाड़ी में, मैं बोला भाई इतना दूर आ गया हूँ, अभी इतने के लिए तो साइकिल नहीं रखूँगा, पैदल भले से जाना पड़े, वो आगे हरम है, इंशाल्लाह 2 किलोमीटर और बचा है, तो मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गया हूँ, और भाई साहब लोग मिले, बहुत भाई साहब लोग, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्लॉक टावर,
احنا لما تاخدوا ايه الله نادر तवाफ़ हो गया अभी, तवाफ़ के बाद अभी जा रहे हैं, देखो चलते हैं अभी सफ़ा मरवा, फिर उसके बाद आगे इंशाल्लाह। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। चलो अभी सफ़ा मरवा चलते हैं। यहाँ से सफ़ा स्टार्ट होता है। ये लिखा हुआ है सफ़ा स्टार्ट है। यहाँ से तवाफ़ करके ऊपर आए हैं, ऊपर अभी ये सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पूरा ये शहर। हाँ यहाँ पे ये पत्थर है, ये यह है सफ़ा मरवा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उमरा में सारा कुछ तो ख़त्म हो गया, सफ़ा मरवा हो गया, तवाफ़ हो गया, बाकी अभी बाकी एक चीज़ है बाल वो करना। जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ होता है, बाकी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उमरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लो हो गया टकला, अभी फिर चलो। शुक्रिया भाई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ एक भाई का, फिर अभी मैं जाऊँगा आगे इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे पूरा वो उम्रा करने के बाद बाल वाल के लिए यहाँ पे आते हैं।
ये हमारे आरिफ भाई जो यूपी मुरादाबाद ना, हाँ ये हरम में ही काम करते हैं मक्का में, और ये हमारे भाई बिहार के हैं। और ये भैया मेरे को बताए उमरे का करने का तरतीब, मेरे को तो पता भी नहीं था, तो शुक्रिया भाई आपके वजह से उमरा मुकम्मल हो गया मेरा। यार आप भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और ये मेरे को मिले थे, ये मैंने इनको मैसेज किया था कि भैया हरम में आऊँगा तो आप मिलना ज़रूर। बाकी उमरा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो गया। बाकी चलो हम खाना थोड़ा खाने जा रहे हैं। बाकी शुक्रिया भाई। देखो कि इतनी भीड़ है यहाँ पे इतनी भीड़ है कि पूछो मत। और हमारे आरिफ भाई आगे आगे चल रहे हैं। बाकी इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ये जो घर है ना, यहाँ पे हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। और ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पे चाँद के दो टुकड़े किए थे। और ये अपना क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर है, यहाँ पे मैं रुका हूँ। बाकी मेरा उमरा तो मुकम्मल हो गया, अभी मेरे को जाके नहा वहा के पूरा वो करना है, एहराम बदलना है बस। और अल्लाह का शुक्र है और मेरे भाई ने साथ दिया जो कि उमरा कराने में। बाकी ये घर देखो अभी भी प्यारा सा लग रहा है। और ये पूरा चाँद के जो दो टुकड़े हुए थे, और ये क्लॉक टावर है। चलो मिलते हैं। चलो यहाँ पे बड़ा सुकून मिला बैठ के। और अभी मैं चलता हूँ रूम की तरफ, देखता हूँ कुछ जुगाड़ करता हूँ। साइकिल तो पंचर है मेरी, बाकी जुगाड़ करता हूँ आगे जाने की। यहाँ से निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अभी ये देखो मैं जा रहा हूँ जहाँ साइकिल रखा था वहाँ पे, और हमारे भाई मिले हैं। कहाँ के हैं आप? यूपी कहाँ? मेरठ के हैं। बाकी चलो हम साइकिल के पास जा रहे हैं। अच्छा अभी ये भाई के रूम में आया हूँ। थैंक यू भाई, शुक्रिया। ये मेरा दोस्त है जो आज से नहीं, पिछले 7 साल से मैं इधर ही मक्का शरीफ में हूँ। और ये मेरा दोस्त 4-5 साल से है, मैं इसको जानता हूँ। तो ये मक्का शरीफ में ही रहता है, मक्का यहाँ 6 किलोमीटर है, हरम 6 किलोमीटर है, तो इसका रूम है ये। बाकी मैं इधर ही आया हूँ, अभी इधर ही जितना दिन रुकना होगा इधर ही रुकूँगा। बाकी शुक्रिया यार, एकदम मक्का में मेरे को रहने को मिल गया। अभी फिकर रहो, इधर रहो, आराम से रहो, टहलो घूमो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक उम्रा और करना है, इंशाल्लाह। तो एक नहीं आप दो करेंगे, इंशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी रूम पे आया हूँ, दोस्त का रूम है ये। और अभी चल रहा हूँ नहाने के लिए, थोड़ा नहाया हुआ जाए, आराम उतारा जाए। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखना आप लोग। अभी एक उमरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दो दिन बाद दूसरा उमरा करूँगा बहुत जल्दी। तो इंशाल्लाह मदीना के लिए फिर निकलूँगा 3-4 दिन बाद। तो दुआ में याद रखो आप लोग, और दुआ की गुजारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोगों की सपोर्ट से, और आगे भी दुआ करना मेरे लिए, क्योंकि आगे की जर्नी और लंबी होने वाली है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।